हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पे। दोस्तों, आज एक अलग तरह की टॉपिक पे बात करूंगा। जनरली क्या होता है, हम एक अलग एक टॉपिक लेते हैं, उसको कवर करते हैं, जैसे कंट्रोलर का फॉल्ट कोड, कंट्रोलर का सर्किट डायग्राम, या फिर हाइड्रोलिक वायर रिलेटेड चीज़ें, अलग इस तरह की एक टॉपिक कवर करते हैं। आज हम लोग एक टॉपिक नहीं कवर करेंगे, हम लोग पाँच टॉपिक में आज कवर करूंगा। लेकिन ये पाँच टॉपिक थोड़ा अलग टाइप का है। देखिए क्या है कि जनरली आप लोग कुछ तरह का प्रॉब्लम आते रहता है, बहुत तरह कुछ क्या क्या बहुत तरह का प्रॉब्लम आता रहता है फोर्कलिफ्ट में। तो उसमें से कुछ पांच जो मेरे दिमाग में आ रहा है प्रॉब्लम, जो आप लोग को रेगुलर आता होगा, मे भी कभी भी आता रहता है और आप लोग कंफ्यूज होते रहते हैं कैसे इसको सॉल्व करें। तो उनमें से पांच प्रॉब्लम को मैंने लिस्ट आउट किया, मैंने लिखा है यहाँ पे, और इन पाँचों प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करने के तरीके बताऊँगा। आप भी अपने कुछ प्रॉब्लम बता सकते हैं ताकि मैं उसको अगले वीडियो में कवर कर सकूँ और आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोलूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग पहला टॉपिक कवर करते हैं। पहला टॉपिक क्या है, कभी कभी बहुत मैं ये बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट से रिलेटेड, डीजल फोर्कलिफ्ट से रिलेटेड अलग ही बात करूंगा। जब आप कमेंट करोगे कि हमको ये प्रॉब्लम है, तो तीन चार पांच प्रॉब्लम जो रहेगा उसको लिस्ट आउट करके मैं एक साथ लिख के आपको कवर कर दूंगा, या किसी स्पेशल एक सिंगल प्रॉब्लम के आपके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप बताना, मैं इस पर कवर कर दूंगा। डीजल प्रॉब्लम में ज्यादा कुछ ऐसा रहता नहीं, इसलिए मैं नहीं कवर कर रहा हूँ। जनरली आप लोग सब कुछ जानते हैं डीजल प्रॉब्लम में, कुछ लोग मेरे से भी बेहतर जानते होंगे, ऐसा नहीं है। तो इसलिए मैं डीजल प्रॉब्लम का टॉपिक कवर नहीं करता हूँ। ज्यादा होगा तो आप हमको कमेंट करके बता देना, मैं उन टॉपिक्स को भी कवर करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों पहला टॉपिक कवर करते हैं। आपको बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसा आता है इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट हो, बीओपीटी स्टेकर, कुछ भी इलेक्ट्रिक एमएचई से रिलेटेड। बहुत बार होता है क्या है भाई, फोर्कलिफ्ट स्टार्ट नहीं हो रहा, आपको रिपोर्ट ऐसा आएगा फोर्कलिफ्ट स्टार्ट नहीं हो रहा, तो हम लोग शुरू कहाँ से करें। जनरली जिन लोगों को पता है तो थोड़ा रूट पकड़ लेते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल काम जब भी आप करने जाते हैं तो इसको आपको सॉल्व करना है, जल्दी जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम खत्म करना है। तो खत्म करने से पहले अपना सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्व करने से सबसे पहले प्रॉब्लम बड़ा क्या होता है कि प्रॉब्लम है क्या और कहाँ पे, वो खोज लिया तो प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। सपोज मैंने कभी कंट्रोल वाल्व का प्रॉब्लम, लेकिन कंट्रोल वाल्व का प्रॉब्लम है कि नहीं ये पता करना है, उसी में ज्यादा टाइम जाता है। प्रॉब्लम क्या है वो फाइंड आउट करने में ज्यादा टाइम जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व करने में इलेक्ट्रिकल में कुछ ज्यादा टाइम नहीं जाता है। तो उसके लिए लेकिन एक कानून है, इलेक्ट्रिकल का एक कानून है, होता है जैसे जंगल का एक कानून था, जंगल का कानून आप फॉलो करें तो आपका काम आसान हो जाता है, या फिर कोई भी चीज का एक कानून फॉलो करें तो आपको काम आसान हो जाता है, वैसे इलेक्ट्रिकल का इलेक्ट्रिकल का एक कानून है, उस कानून को आप फॉलो करेंगे तो आपका सारा काम आसान हो जाएगा और प्रॉब्लम बहुत ईजिली मिल जाएगा और सोल्यूशन बहुत जल्दी हो जाएगा। कानून क्या है, इलेक्ट्रिकल का कानून ये बोलता है कि आप रूट पकड़िए, रास्ते जिस रास्ते से आपको जाना है उस रास्ते को पकड़िए, ये ना कि इस रास्ते से जाना इधर से घूम के ऐसे जा रहे थे, इधर से घूम के ऐसे जा रहे, या फिर यहाँ से निकले ऐसे 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 कर दे, नहीं आपको रूट पकड़ना पड़ेगा। जो रूट है या तो हो सकता है रूट ही यही हो, आप इस रूट से शॉर्टकट से जाने की कोशिश कर रहे तो नहीं होगा, तो आपको उस रूट को पकड़ना पड़ेगा। रूट करने का मतलब पहले कहाँ जाना है, सपोज माने आपको दिल्ली से पटना जाना, एग्जांपल में बता रहा हूँ मैं, पटना से उसे बोलो दिल्ली से पटना जाना, तो दिल्ली से पटना जाना तो आपको रूट पता होनी चाहिए कि किस रूट से जाना, डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, सपोज माने ट्रेन से आप जा रहे डायरेक्ट ट्रेन है, लेकिन कहाँ कहाँ रुकना है आपको, वहां से ट्रेन बदलना, सपोज माने दिल्ली से पहले कानपुर आना पड़ेगा, कानपुर से आप ट्रेन बदले, कानपुर से ट्रेन बदल के इलाहाबाद आना पड़ेगा, प्रयागराज हो गया, अभी प्रयागराज बोलेंगे, प्रयागराज उतर के फिर ट्रेन बदलना, आपको रूट पता करना, ये नहीं कि आप डायरेक्ट दिल्ली से इलाहाबाद तक ट्रेन पकड़िए और फिर इलाहाबाद से फिर रिटर्न कानपुर आ जाए, तो उसका कोई मतलब नहीं होता, टाइम वेस्ट होगा, प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व नहीं होगा। तो ये वैसे ही रूट पकड़ना पड़ेगा, तो वो रूट आपने पकड़ लिया ना तो आपको प्रॉब्लम जल्दी मिल जाएगा। अब मैं रूट की बात करता हूँ, ये समझ गया, रूट जरूरी है। तो मैं ये जब जब भी फोर्कलिफ्ट बंद है, जब भी बोल रहा है कि मशीन चालू ही नहीं हो रही है तो रूट पकड़ना था, चालू नहीं हो रही है तो रूट कहाँ से पकड़ेंगे, पावर सप्लाई स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट में पावर सप्लाई स्टार्ट होता है बैटरी से, तो बैटरी का पावर पहले मापिए कि टोटल वोल्टेज बराबर है क्या, फिर उसका आउटपुट आ रहा है, कभी कभी बैटरी का आउटपुट ही नहीं आता रहता है तो उस केस में आपको फोर्कलिफ्ट नहीं चलेगा, तो कुछ ऐसा भी केस आ जाएगा, मजाक लगेगा कि बैटरी ही ना लगाया और फोर्कलिफ्ट चालू कर रहे हैं, तो नहीं होगा। तो वो केस आपको बैटरी से शुरू करना है, तो पहले सबसे पहले यदि फोर्कलिफ्ट चालू नहीं हो रहा तो बैटरी को पावर चेक करिए, बैटरी का आउटपुट पावर चेक करिए, यदि बैटरी का आउटपुट पावर आ रहा है तो बैटरी का कनेक्टर लगाइए, और उसके बाद आप जहां पे बैटरी का पावर जा रहा है एक टर्मिनल पे जाएगा,
एक टर्मिनल पे जाके वो प्लस और माइनस टाइप होता है, हो सकता है माइनस डायरेक्ट कंट्रोलर में लगे, डिपेंड करता है, लेकिन प्लस तो डायरेक्ट आपको कोई ना कोई टर्मिनल पे जाएगा, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर में जाता है। तो आपको यहाँ पे जाना है, टर्मिनल पे जाना है, टर्मिनल पे यहाँ पे हमारे मल्टीमीटर, ये बैटरी का जो रेटिंग वोल्टेज है उतना आ रहा है कि नहीं, बैटरी का जो रेटेड वोल्टेज उतना आ रहा है। यदि यहाँ भी रेटेड वोल्टेज आ रहा है तो करना क्या है, यहाँ से आगे यहाँ पे प्लस से ना, जनरली प्लस से 10 एम्पीयर का फ्यूज लगा रहता है, 10 एम्पीयर का फ्यूज लगा रहता है कम्युनिकेशन वायरिंग के लिए, पतले वाले वायरिंग के लिए। उस 10 एम्पीयर का फ्यूज बराबर है क्या? ये 10 एम्पीयर का फ्यूज भी बराबर है तो आपको चेक करना है कि 10 एम्पीयर के फ्यूज से आगे पावर आ रहा है क्या। एक वायर माइनस पे रखे और एक वायर 10 एम्पीयर के फ्यूज के पार पे रखे, यहाँ पे देखिए वोल्टेज आ रहा है क्या बैटरी का जितना वोल्टेज है। तो यदि यहाँ भी आ रहा है, ये वाला फ्यूज से आगे वायर जाता है की स्विच में जाता है। अब ये चेक करिए कि की स्विच में यहाँ पावर आ रही है, ये इसलिए चेक करने बोला रूट में जाना, हो सकता है वायर कट हो, इसलिए मैं बोला ये भी चेक करने का। अब की स्विच में पावर सपोज मैंने आ रहा है, की स्विच में पावर आ रहा था, इसका आउटपुट आ रहा है, हो सकता है की स्विच ही खराब हो भाई, जहां जहां थोड़ा वहां वहां समझिए कहीं भी प्रॉब्लम मिल सकता है। यानी कि मैं प्रॉब्लम निकाल के कहीं नहीं दिखा रहा हूँ, मैं रूट आपको समझा रहा हूँ, रास्ते बता रहा हूँ। प्रॉब्लम हो सकता है की स्विच में, हो सकता है 10 एम्पीयर फ्यूज में, हो सकता है बैटरी, लेकिन आप पहले बैटरी चेक कर लिया सियोर होगा बैटरी ओके, फिर आपने फ्यूज चेक कर लिया सियोर होगा फ्यूज होगा, फ्यूज के बाहर आके पावर आपने चेक कर लिया तो यहाँ भी पावर आ रहा है, सियोर हो जाएगा फ्यूज का वायर और फ्यूज ओके। फिर यहाँ से आपने की स्विच के वायर में चेक कर लिया तो यहाँ समझे कि की स्विच में पावर आ रहा है। अब की स्विच से आउट हो रहा है कि नहीं, फिर की स्विच के बाहर को चेक कर लिए, की स्विच के आउटपुट से सीधा कंट्रोलर में जाता है, कंट्रोलर में चेक कर लिया पावर आ रहा है कि नहीं। इतने दूर में आपको गाड़ी चालू नहीं हो रहा इसका रीजन मिल जाएगा, समझ गए। इससे आगे आपको जाने की जरूरत नहीं, या तो की स्विच खराब हो, या की स्विच से लेकर कंट्रोलर का वायर खराब हो, या तो फ्यूज से लेकर की स्विच का वायर खराब हो, या तो 10 एम्पीयर का फ्यूज खराब हो गया हो, या फिर ये जो वायर है यहाँ पे पावर वायरिंग से कम्युनिकेशन वायरिंग के लिए 10 एम्पीयर का वायर निकलता है वो वायर खराब हो, या तो बैटरी ही पावर ना दे रहा हो, इतने ही केस में आपको प्रॉब्लम फाइंड आउट हो जाएगी। यदि एक एग्जाम्पल बोले, यदि कंट्रोलर में भी पावर आ रहा है प्लस जितना वोल्ट रेटेड है, और माइनस तो डायरेक्ट समझे कंट्रोलर में रहता ही है, मोटे वायरिंग डायरेक्ट आ जाता, तो ये आ रहा फिर भी कंट्रोलर ऑन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब कंट्रोलर खराब है, समझे। और आप यहाँ पे श्योर होके बोल सकते हैं कि कंट्रोलर खराब है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि आपने पावर सारी चेक कर ली, पावर यहाँ तक आ रहा है, 100% श्योर होके बोल सकते भाई साहब दिस कंट्रोलर हैज बीन डिफेक्टेड, मतलब ये कंट्रोलर खराब हो चुका है। इजिली आप इस रूट से जाएंगे तो आप इधर उधर ऐसे वैसे चेक करते रहेंगे तो आप श्योर नहीं हो पाएंगे आखिर में प्रॉब्लम क्या है, समझे। ये रूट पकड़िए, ये पहला प्रॉब्लम हमने आपको बता दिया कि कैसे सॉल्व कर रहा है। अभी हम लोग दूसरा प्रॉब्लम पे आते हैं। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि फॉरवर्ड बस नहीं हो रहा, कंट्रोलर तो चालू हो रहा है, मशीन चालू हो रही है, फ्लैशिंग लाइट जल रही है, हेडलाइट जल रहा है, आपको डिस्प्ले कंट्रोलर VDI का आ गया है, कंट्रोलर भी ब्लिंक कर रहा है, सपोज मनी के फिर भी फॉरवर्ड रिवर्स नहीं होगा तो क्या करें। तो इस केस में दो तीन चीज है। पहला तो आपको ये चेक करना है कि फॉरवर्ड रिवर्स का कहां से शुरू होता है, आपको बताता हूं फॉरवर्ड रिवर्स का कहां से शुरू होता है। तो फॉरवर्ड रिवर्स स्विच F and R स्विच होता है, F and R स्विच, फॉरवर्ड न्यूट्रल रिवर्स, ये एक स्विच होता है। फॉरवर्ड रिवर्स स्विच में आपको पावर आ रहा है क्या? फॉरवर्ड रिवर्स नहीं हो रहा है दोनों नहीं हो रहा तो मैं कैसे बोल। फॉरवर्ड रिवर्स में तीन वायर लगते हैं, एक कॉमन, एक फॉरवर्ड, एक रिवर्स का, जनरली स्पेशल केस में कुछ हाई लो भी रहता है, आप इतने समझ के चलो। तो कॉमन में पावर आ रहा है क्या? कॉमन में पावर आ रहा है तो आप उसको फॉरवर्ड दबाइए और फिर चेक करिए पावर आ रहा है क्या। यदि कॉमन में ही पावर ना आ रहा तो आप कोई पे चेक करना, ये वायरिंग कहीं ना कहीं डैमेज है, ये वायरिंग ये जो आता है डिपेंड करता है कैसे कैसे आएगा, लेकिन जनरली कंट्रोलर का है ना प्लस से आता है, बैटरी प्लस है, जो आपको की स्विच का वायर है ना समझिए जनरली की स्विच से आएगा कॉमन में। तो ये वाला की स्विच से जो पावर आया ये की स्विच से यहाँ तक का वायरिंग, तो समझिए इसमें कहीं ना कहीं डैमेज है। यदि कॉमन में ही पावर नहीं आ रहा है तो कॉमन में पावर नहीं आ रहा तो फॉरवर्ड में भी जाएगा रिवर्स में मिल जाएगा, समझ गए। और यदि कॉमन में पावर आ रहा है तो हो सकता है ये स्विच खराब हो, फॉरवर्ड रिवर्स का पॉइंट कनेक्ट नहीं हो रहा हो कि स्विच के अंदर फॉरवर्ड का स्विच के अंदर में, तो आप फॉरवर्ड करो और पावर चेक करो। यदि पावर आ रहा है तो और रिवर्स करो तो भी चेक करो, दोनों साइड आप एक बार चेक कर लो। यदि यहां पे भी पावर आ रहा है तो यहां से सीधा चला जाता है कंट्रोलर में और कंट्रोलर पे भी आप यहां पे चेक कर लो पावर आ रहा है क्या। फॉरवर्ड रिवर्स दो पॉइंट जाएंगे, फॉरवर्ड के और रिवर्स के दो जाते हैं, समझ गए। तो यहां पे भी चेक कर लो पावर आ रहा है क्या। पावर आ रहा है
तो भी आप कंट्रोलर खराब नहीं, एक और चीज चेक करना। सपोज मैंने ये वाला सर्किट ओके है, ये वाला सर्किट ओके है, अब आपको चेक क्या करना है, मैं बेसिक चीजें बता रहा हूँ। अब आपको चेक क्या करना है कि यदि फॉरवर्ड बस स्विच का कनेक्शन, वायरिंग, पावर सब कुछ ओके मिल रहा है, तो अब आपको चेक करना है कि एक्सेलेटर पॉट के अंदर में ना एक लिमिट स्विच लगा रहता है, पता है, एक्सेलेटर पॉट के अंदर में एक लिमिट स्विच लगा रहता है। ये जो बना है ये पोटेंशियोमीटर है, मैं डायग्राम जो बना रहा हूँ पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियोमीटर आप समझ रहे होंगे अच्छे तरीके से, आप लोग जानते होंगे। ये जो वायर है ना लिमिट स्विच, इसमें ना ब्लू और ग्रीन वायर रहेगा, डिपेंड करता है अलग अलग एक्सेलेटर पॉट के साथ, लेकिन आपको 90% ग्रीन वायर ही मिलेगा कर्टिस का और ये सबका एक्सेलेटर पॉट में, ठीक है। तो ये दोनों वायर में आपको देखिएगा इसमें पावर आ रहा है क्या, लिमिट स्विच एक्सेलेटर पॉट दबाने के बाद फिर से इसमें पावर आ रहा है क्या, तो एक चला ये की स्विच से एक में आ जाएगा, दोनों में से एक में की स्विच से पावर आएगा और इसका आउटपुट जो कंट्रोलर में चला जाएगा, डिपेंड करता है अलग अलग कंट्रोलर का अलग अलग पिन पॉइंट होता है। आप किसी कंट्रोलर के बेस पे आप कमेंट करेंगे तो एक बार में 1232 के 1236 के 1244 का अलग अलग बना देगा, लेकिन ये मैं इसलिए पिन नंबर नहीं दिखा रहा, सभी में अलग अलग होता है। तो इसमें कंट्रोलर में पावर आ रहा है क्या, ये एक्सेलेटर पोर्ट का लिमिट स्विच से, यदि पावर आ रहा है तो इसका प्रॉब्लम खत्म, अब एक्सेलेटर पोर्ट के लिमिट स्विच का भी प्रॉब्लम नहीं। अब दूसरा आते हैं, एक और चीज होता है, कभी कभी किसी किसी गाड़ियों में ब्रेक सेंसर लगा रहता है, ब्रेक सेंसर में आपको हो सकता है लिमिट स्विच लगा हो ब्रेक के पास में, या फिर पोटेंशियोमीटर लगा हो, तो हम लिमिट स्विच मान के चलते हैं। ब्रेक सेंसर में लिमिट स्विच लगा है सपोज मानिए, तो ये सपोज मानिए ब्रेक सेंसर का लिमिट स्विच है, सपोज मानिए लिमिट स्विच ब्रेक सेंसर का BS, ठीक है। अब इसमें ब्रेक सेंसर में एक वायर आएगा आपको ये की स्विच से, ब्रेक सेंसर में एक वायर की स्विच से आएगा, दूसरा वायर आपको कंट्रोलर में चला जाएगा। अब ये चेक करिए कि ब्रेक सेंसर में पावर इन हो रहा है क्या, और यदि इन हो रहा है तो ब्रेक सेंसर का पावर आउट हो रहा है क्या, यदि आउट भी हो रहा है तो ब्रेक सेंसर का जो वायर है यहाँ पे पावर दे रहा है क्या। यदि ये भी ओके है, ब्रेक सेंसर भी ओके है, तो एक और चीज आपको चेक करना है, हालांकि ये आपको पहले चेक करना चाहिए लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ये चीज मिटाते हैं। एक और चीज क्या है कि आपको जब ये मशीन ऑन कर रहे हैं या फिर एक्सेलेटर पोर्ट दबा रहे हैं तो कॉन्टैक्टर ऑन हो रहा है क्या, क्योंकि कंट्रोलर तो ऑन हो जाएगा, फ्लैशिंग लाइट चालू हो जाएगा, कंट्रोल कॉन्टैक्टर ऑन हो रहा है क्या। यदि कॉन्टैक्टर ही ऑन नहीं हो रहा है तो कॉन्टैक्टर में दो वायर आता है, दोनों वायर में पावर आपको चेक, पावर नहीं आप चेक कर सकते, कॉन्टैक्टर से लेकर कंट्रोलर के बीच में ये वायरिंग आपको कंटिन्यूटी मार रही है, यहाँ पे आप पावर नहीं चेक कर सकते। जनरली लोग कंफ्यूज क्या होते हैं ना कि कॉन्टैक्टर ऑन नहीं हो रहा है ना तो कॉन्टैक्टर में पावर आ रहा है कि आप चेक कर सकते, ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि यदि कॉन्टैक्टर में कहीं ना कहीं मशीन में किसी कारण से फॉल्ट कोड है तो कॉन्टैक्टर में पावर कंट्रोलर नहीं देगा अपनी सेफ्टी फीचर के हिसाब से, या फिर कॉन्टैक्टर में ही प्रॉब्लम है तो भी कॉन्टैक्टर को पावर नहीं दिया जाएगा, आपको पावर जीरो बताया जाएगा। तो कभी भी कॉन्टैक्टर का पावर आपको नहीं चेक करना है, कॉन्टैक्टर ऑन नहीं हुआ तो कॉन्टैक्टर से लेके आपको कंट्रोलर के बीच का कम्युनिकेशन वायरिंग को कंटिन्यूटी मारना है, ध्यान रखिएगा मशीन बंद करके कंटिन्यूटी मारना है, समझे, दोनों में कंटिन्यूटी मारना है, मशीन बंद करके कनेक्टर खींच के दोनों में कंटिन्यूटी मारना है, कभी भी आपको पावर नहीं चेक करना है, पावर आएगा ही नहीं कहीं भी फॉल्ट रहेगा, चाहे कॉन्टैक्टर में क्यों ना फॉल्ट हो तो भी पावर नहीं आएगा। तो इस केस में यदि ये भी वायर सही हो तो कॉन्टैक्टर का कॉइल चेक कर लीजिए, हो सकता है ये वायर सही हो और कॉन्टैक्टर का कॉइल खराब हो तो भी फॉल्ट कोड आएगा। तो ये सारी चीज है, ये कॉन्टैक्टर का कॉइल खराब हो तो भी फॉल्ट कोड आएगा और कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होगा। और दूसरा एक और चीज, ड्राइव फ्यूज जो 150 एम्पीयर का फ्यूज रहता है, जनरली 150 एम्पीयर का रहता है, डिपेंड करता है अलग अलग, जो ड्राइव फ्यूज रहता है मतलब जो जिस कॉन्टैक्टर से कंट्रोलर में डायरेक्ट पावर जाता है उसके पहले एक फ्यूज लगा रहता है 150 एम्पीयर का, कभी कभी अलग अलग मशीनों में अलग भी 250 भेज सकता है लेकिन जनरली 150 एम्पीयर का फ्यूज है। ये फ्यूज जला हुआ रहेगा ना तो भी आपको कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होगा, कॉन्टैक्टर के कॉइल में पावर नहीं आएगा, ये बात का ख्याल रखिएगा। तो आपको कंटिन्यूटी चेक करना है, कंटिन्यूटी सही है तो कॉन्टैक्टर को कॉइल चेक करना है, कॉइल भी सही है तो कॉन्टैक्टर से पहले ड्राइव फ्यूज लगा रहेगा उसको चेक करना है। इतने में 100% आपकी गाड़ी फॉरवर्ड रिवर्स होना शुरू हो जाएगी, कहीं ना कहीं 110% में लिख के देता हूँ कि आपका प्रॉब्लम इतने में ही मिलेगा, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं, मैं सिंपल एकदम बताता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं होता है, कॉन्टैक्टर ऑन नहीं हो रहा है तो, फॉरवर्ड रिवर्स नहीं हो रहा है तो। हाँ, लेकिन उसके बीच में कोई और फॉल्ट कोड है तो भी कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होगा, सपोज माने टेम्परेचर सेंसर का है, मोटर का है, तो फॉल्ट कोड के बेस पे जाना, फॉल्ट कोड नहीं आ रहा है या फिर कॉन्टैक्टर का फॉल्ट कोड आ रहा है तो केस में ये वाला आपको फॉलो करना है।
अब आते हैं हम लोग तीसरा पॉइंट पे, ये है फॉरवर्ड रिवर्स, फॉरवर्ड वर्किंग लेकिन रिवर्स नोट। फॉरवर्ड गाड़ी चल रहा है लेकिन रिवर्स नहीं चल रहा, ये सबसे सिंपल आंसर यहाँ पे मैं देता हूँ। इसमें ज्यादा कुछ नहीं चेक करना है आपको, जो एफ एन आर स्विच है सिर्फ उसमें प्रॉब्लम है और कहीं नहीं प्रॉब्लम। एफ एन आर स्विच तो जब फॉरवर्ड तो चल रहा है मतलब फॉरवर्ड वाला वायर ओके है, फॉरवर्ड चल रहा है मतलब न्यूट्रल वाला वायर भी ओके, फॉरवर्ड वाला वायर भी ओके है ना, मतलब सिर्फ रिवर्स वाला। तो रिवर्स का देखिए इसका आउटपुट आ रहा है क्या, रिवर्स वाले वायर में आउटपुट आ रहा है क्या, यदि आ रहा है तो क्या कंट्रोलर तक भी पहुंच रहा है क्या, वो आपको चेक करना है। जनरली इसमें आपको एफ एन आर स्विच में ही प्रॉब्लम रहेगा, और नहीं तो ये किसी कारण से आपका बहुत बड़ा दुर्भाग्य हो, उस दिन आपने कुत्ते को काट लिया हो, कुत्ते ने आपको नहीं काटा हो, तो भी हो सकता है ये वायर टूट गया। जनरली होता नहीं आपको ये वाला प्रॉब्लम आएगा, हो सकता है आपने कुत्ते को ही काट लिया उस दिन, ये वाली स्थिति बन सकती है। तो इसमें कुछ नहीं, आप फॉरवर्ड रिवर्स स्विच चेंज करो, 99% केस में होता है। आपका बहुत दुर्भाग्य है तो ये वाला वायर खराब हुआ, रिवर्स का वायर जो कंट्रोलर में जाता है, तो इतना सा चेक करो। ये बहुत छोटा सा प्रॉब्लम, लेकिन ये छोटे से प्रॉब्लम में लोग कंफ्यूज हो सकते हैं या फिर होते होंगे, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैंने ये टॉपिक कवर किया। अब आते हैं थोड़ा सा अलग टाइप का, हाइड्रोलिक से रिलेटेड मैंने दो टॉपिक लिखे। देखिए अपने मन से मैंने ये टॉपिक लिखे, मे बी आपके पास नहीं हो लेकिन किसी और को जरूरत पड़े ये टॉपिक का, आप लोग अपने टॉपिक लिख सकते हैं। मैं 5-5 टॉपिक कवर करता रहूंगा, छोटे छोटे प्रॉब्लम आप लिखना, मैं 5-5 टॉपिक अलग अलग वीडियो में कवर करता रहूंगा, ताकि आपके जो छोटे छोटे प्रॉब्लम है वो आपको टेकअप होता रहे, कवर होता रहे। अब इसमें क्या लिखा है मैंने, हाइड्रोलिक अप डाउन नोट वर्किंग, लेकिन और बाकी सारा फंक्शन वर्क कर रहा है लेकिन अप डाउन नहीं हो रहा है। क्या मैं लिखा, और फंक्शन वर्क कर रहा है मतलब टिल्टिंग वर्क कर रहा है, मान लीजिए साइड शिफ्टर लगाए तो वर्क कर रहा है, या फिर और भी कोई फंक्शन है तो वो भी वर्क कर रहा है, लेकिन अप डाउन नहीं काम कर रहा है। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको आपको समझना पड़ेगा। देखिए हाइड्रोलिक अप डाउन नहीं हो रहा, बाकी सारा चीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, मोटर ओके, मोटर चल रहा है तभी तो बाकी सारा फंक्शन हो रहा है, पंप ओके, पंप का प्रेशर ओके है, कंट्रोल वाल्व का जो टिल्टिंग और बाकी सारा फंक्शन ओके है, लेकिन अप डाउन नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो कंट्रोल वाल्व का अप डाउन का फंक्शन है उसमें प्रॉब्लम है, या तो उसका जो ये क्या बोलते हैं रिलीज वाल्व, प्रेशर रिलीज वाल्व का जो सेटिंग है, कुछ कंट्रोल वाल्व में आपको ऊपर में सेटिंग करने का मिलेगा लिंकी लगा के, तो रिलीज वाल्व का सेटिंग है जो इतना कम हो गया है कि वो जीरो प्रेशर पे रिटर्न कर दे रहा है, बहुत कम प्रेशर पे वाल्व रिटर्न कर दे रहा है, मास्ट कोट में नहीं दे रहा, ये प्रॉब्लम हो सकता है। या तो कहीं पाइप फटा दो तो आपको सामने से दिख जाएगा, देखो पाइप फटा है इसलिए वाल्व पूरा बाहर बह रहा है, तो उठेगा कहाँ से, लेकिन ये केस सिर्फ आपको कंट्रोल वाल्व पे ही डाउट करना है, पाइप फटा रहेगा तो दिख जाएगा, या आप कंफ्यूज होंगे तभी जब कुछ नहीं प्रॉब्लम है आपको दिख रहा फिर भी अप डाउन नहीं हो रहा बाकी सारा फंक्शन हो रहा, तो आपको उसमें आपको कंट्रोल वाल्व का अप डाउन का जो फंक्शन है उसमें रिलीज वाल्व को आपको सेटिंग करना पड़ेगा। रिलीज वाल्व होता है कुछ कंट्रोलर, कुछ मैक्सिमम कंट्रोलर कुछ में नहीं रहता, मैक्सिमम कंट्रोलरों में अप डाउन वाला फंक्शन के ऊपर या नीचे आपको रिलीज वाल्व का सेटिंग करने को रहता है, उसको सेट करिए, प्रेशर बढ़ाइए, फिर आपका फंक्शन चालू हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। रूट इसमें समझाता हूँ, अब बाकी सारे फंक्शन काम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि मोटर भी चल रहा है, मोटर को पावर सप्लाई बराबर आ रहा होगा तभी चल रहा है, पंप भी चल रहा है क्योंकि मोटर पंप को बराबर घुमा रहा है, पंप से वाइल भी आ रहा है क्योंकि बाकी सारा फंक्शन चल रहा है तो वो वाइल भी आना सही है, वाइल की कमी नहीं है, और कंट्रोल वाल्व से बाकी सारे फंक्शन चल रहे हैं, इसका मतलब कंट्रोल वाल्व तक वाइल बराबर आ रहा है, बराबर प्रेशर में आ रहा है, सिर्फ अप डाउन नहीं चल रहा है, इसका मतलब सिर्फ अप डाउन का जो रिलीज वाल्व का प्रेशर रिलीज वाल्व का जो आपका सेटिंग है उसमें ही प्रॉब्लम है। यदि वो नहीं है तो हो सकता है आपका कंट्रोल वाल्व अंदर से कहीं कहीं डैमेज हो गया, कंट्रोल वाल्व बदलिए, 110% आपका प्रॉब्लम सॉल्व होना ही है, कोई नहीं रोक सकता है इसको। एक और छोटा सा मैंने अलग कवर किया है, हाइड्रोलिक फंक्शन नोट वर्किंग, कुछ भी नहीं चल रहा है, थोड़ा सा इसमें मेहनत है, कुछ भी नहीं चल रहा हाइड्रोलिक फंक्शन, तो इसके केस में यदि ये डीसी मोटर है तो, एसी मोटर है तो उसका अलग बात है, डीसी मोटर है तो अलग बात है, लेकिन फिर भी मैं छोटा सा कवर कर देता हूँ डीसी मोटर और एसी मोटर का। अभी क्या है, इसमें हाइड्रोलिक फंक्शन नहीं चल रहा है, इसका मतलब आप पहले पावर से मशीन ऑन हो रहा है, फॉरवर्ड रिवर्स हो रहा है, हाइड्रोलिक फंक्शन नहीं चल रहा है, क्या हाइड्रोलिक कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो रहा है क्या, हाइड्रोलिक कॉन्ट्रैक्टर ऑन नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, कंट्रोल वाल्व में यदि लिमिट स्विच लगा है, मैं छोटा सा टॉपिक, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, अलग अलग मशीनों में अलग अलग टाइप का होता है, लेकिन
यदि हाइड्रोलिक कंट्रोल वाल्व नहीं, कॉन्टैक्टर नहीं ऑन हो रहा है तो मोटर तो बिल्कुल नहीं चलने वाला है। तो श्योर है हाइड्रोलिक कॉन्टैक्टर ऑन नहीं हो रहा है, तो हाइड्रोलिक कॉन्टैक्टर से पहले एक 250 एम्पियर का फ्यूज रहेगा। अलग अलग मशीनों में अलग अलग रेटिंग हो सकता है, लेकिन जनरली 250 एम्पियर का फ्यूज रहेगा, वो बराबर रहेगा। कॉन्टैक्टर ऑन हो रहा है फिर भी ये नहीं चल रहा है तो फ्यूज हो सकता है खराब हो गया हो, तो आपको ये चेक करना है। यदि फ्यूज भी सही है, कॉन्टैक्टर फिर भी ऑन नहीं हो रहा है, तो क्या करना है आपको, हाइड्रोलिक कंट्रोल वाल्व के पास में लिमिट स्विच रहेगा, लिमिट स्विच रहेगा, वो लिमिट स्विच को चेक करें। लिमिट स्विच में पावर आ रहा है क्या, लिमिट स्विच में पावर आ रहा है तो लिमिट स्विच से बाहर जा रहा है क्या, ये भी आपको इसे आएगा। और लिमिट स्विच से बाहर जा रहा है तो फिर ये कॉन्टैक्टर तक आ रहा है क्या, कॉन्टैक्टर के कॉइल में आ रहा है क्या, कॉन्टैक्टर के कॉइल में भी आ रहा है तो इसमें जो यहां से प्लस जाएगा या और दूसरा जो माइनस जाएगा डायरेक्ट कंट्रोल इससे जाएगा, अपना की स्विच से जाएगा, की स्विच से पावर इसमें आ रहा है क्या, इतना चेक करना है। यदि ये सारी चीजें नहीं हो रही है तो यहाँ पे एक BDI लगा रहता है, DC पुरानी मॉडलों जिसमें 12-24 लगा वो BDI लगा रहता है। BDI का इसमें आपको तीन नंबर पिन ध्यान रखिएगा, तीन नंबर पिन में पावर आउट आ रहा है कि ये माइनस आएगा। माइनस मतलब इसका मतलब है कि आपको की स्विच का आउटपुट में रखे एक पावर, की स्विच में मत रखे आप, क्या बोलते हैं इसको, प्लस में रखे जहां बैटरी का प्लस डायरेक्ट आ रहा है, लग रहा है किसी टर्मिनल पे जाकर रहता है, और इसके माइनस में रखिए यदि ये पावर दे रहा है। तीन नंबर पिन ध्यान रखिएगा, BDI का तीन नंबर पिन आउटपुट दे रहा है का पावर आ रहा है क्या, यदि नहीं आ रहा है तो आप BDI को बदलना पड़ेगा और कोई सोल्यूशन नहीं है। यदि BDI ऑन हो रहा है तो, ऑन नहीं हो रहा तो BDI में पहले पावर लगी, ठीक है। यदि BDI ऑन हो रहा दिख रहा है, डिस्प्ले दिख रहा है, लेकिन फिर भी हाइड्रोलिक नहीं चल रहा है, सारा चीज आपने चेक कर लिया है, तो आपको BDI का तीन नंबर में आउटपुट आना चाहिए, जो कि माइनस आता तो आपको सामने प्लस से लेना पड़ेगा रेफरेंस। मल्टीमीटर को इन दोनों प्लस में लगाइए, प्लस जो बैटरी का प्लस आता है जहाँ पर जाकर लगता है यहाँ पर, और यहाँ पे BDI का तीन नंबर पिन का आउटपुट में लगाइए, आपको वहीं पर प्रॉब्लम मिल जाएगा। बहुत सारे केस में ये जो प्रॉब्लम होता है ना, हाइड्रोलिक अप डाउन फंक्शन ही नहीं चला तो ज़्यादा BDI ही खराब रहता है, डाउन हो रहा है लेकिन अप नहीं हो रहा है, डाउन तो होता ही रहता है, वो तो फ्री जाता है। ये हुआ DC 1244 वाले मोटर में, 1244 कंट्रोलर जिसमें लगा रहता है। अब हम लोग आते हैं DC में ही, लेकिन DC में किसी कंट्रोलर का मोटर रहता है, उसमें कंट्रोलर लगा रहता है मोटर को कंट्रोल करने के लिए। तो कंट्रोलर वाले केस में क्या है, कंट्रोलर ऑन हो रहा है क्या, कंट्रोलर ऑन हो रहा है तो कंट्रोलर का कॉन्टैक्टर ऑन हो रहा है क्या। आपके ये कॉन्टैक्टर ऑन नहीं हो तो कंट्रोलर कैसे ऑन होगा, जरूरी नहीं है कि कॉन्टैक्टर ऑन हो तभी कॉन्टैक्टर ऑन होगा, ये जरूरी नहीं। तो कॉन्टैक्टर ऑन नहीं हो रहा है तो कॉन्टैक्टर से कंट्रोलर के बीच में जो वायर लगे हैं उसको चेक करिए, हाँ बराबर है कि कंटिन्यूटी ध्यान रखिएगा। कॉन्टैक्टर से कंट्रोलर के बीच में कभी भी आपको पावर नहीं चेक करना है, कॉन्टैक्टर में पावर डायरेक्ट नहीं आएगा, देखिए फॉल्ट रहेगा तो आपको कंटिन्यूटी मारना है, ओनली कंटिन्यूटी मारना है, कंटिन्यूटी मारना है, ठीक है। यदि कॉन्टैक्टर और कंट्रोलर के बीच का कंटिन्यूटी बराबर है तो फिर इसके लिए भी वही कंट्रोल वाल्व के नीचे लिमिट स्विच रहता है, और लिमिट स्विच का पावर आउटपुट दे रहा है क्या, रिटर्न आपको कंट्रोलर में जाएगा, ये आउटपुट दे रहा है क्या, उससे भी ना हुआ तो आपका कंट्रोलर खराब है। पहला सबसे पहले तो आपको सॉरी सब चीज़ बोलने से पहले मैं बोलूँगा, पहले आप हाइड्रोलिक मोटर को भी चेक कर लेना, हाइड्रोलिक मोटर ही ना खराब हो। हाइड्रोलिक मोटर को चेक करने के लिए आप कंटिन्यूटी लगाना, कंटिन्यूटी करके दोनों टर्मिनल में लगाना, कंटिन्यूटी आनी चाहिए, कंटिन्यूटी आनी चाहिए, बट कंटिन्यूटी आना मान लीजिए मोटर का दो टर्मिनल बताता हूँ, मोटर का दो टर्मिनल एक प्लस एक माइनस है, ठीक है। अब ये दोनों में मारे तो ये दोनों में कंटिन्यूटी आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे टच किया और बॉडी में टच किया तो नो कंटिन्यूटी आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ प्लस में टच किया और बॉडी में टच किया दोनों बॉडी से नो कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी आनी नहीं चाहिए, लेकिन ये दोनों में प्लस और माइनस में कंटिन्यूटी आनी चाहिए, समझ गए। मोटर को चेक करने का तरीका है। अब इतने में आपको प्रॉब्लम हाइड्रोलिक प्रॉब्लम वाला मोटर वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एक और चीज है, ये तो DC दोनों का, कंट्रोलर वाला और विदाउट कंट्रोलर वाला आपका सिस्टम, हाँ DC का बताया, विदाउट कंट्रोलर हाइड्रोलिक फंक्शन में कंट्रोलर ना लगाओ, ड्राइव फंक्शन में तो रहेगा। एक और प्रॉब्लम, यदि AC मोटर हो तो AC मतलब जो BLDC UVW वाला मोटर होता है, BLDC UVW वाला मोटर है, उसमें टर्मिनल UVW है, तो इसमें भी वही कंडीशन, मोटर आप चेक करो, मोटर सही है तो इसमें एक एनकोडर लगा रहता है, एनकोडर चेक करो, एनकोडर के कारण हो सकता है फोल्ड कोड। सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले आपको फोल्ड कोड पे ही जाना है, फोल्ड कोड जो बोल रहा है उसको फॉलो करना है। फोल्ड कोड पे बहुत सारे वीडियो बना दिए, आप फोल्ड कोड उसके हिसाब से देख सकते हैं, जो फोल्ड कोड बोल रहा है आप वीडियो जाके देखिए, फोल्ड कोड का आपको वीडियो मिल जाएगा।
यदि फोल्ड पोर्ट के बाद भी आपको प्रॉब्लम नहीं मिल रहा है, फोल्ड पोर्ट नहीं दिख रहा है, अगर फोल्ड पोर्ट है फिर भी नहीं मिला, तो छोटी छोटी चीजें मैं कवर कर रहा हूँ। मोटर को आप चेक कर लेना, उसी UBW लगाइएगा, इसमें भी दोनों सब में कंटिन्यूटी आनी चाहिए, लेकिन किसी भी से बॉडी में कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए, किसी भी टर्मिनल से बॉडी में कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। इसका इनकोडर चेक कर लीजिए, और इसके बाद आपको क्या है, इसमें UBW वायर जो है मोटर तक जा रहा है, इसका कंटिन्यूटी मार लीजिएगा। पावर मत चेक करिएगा, पावर आपको नहीं दिखाएगा, जब भी कहीं फॉल्ट रहेगा तो मोटर भी खराब रहेगा तो भी आपको पावर नहीं दिखा, तो पावर कभी मत चेक करिएगा, इसमें कंटिन्यूटी चेक करिएगा, UBW तीनों का कंटिन्यूटी चेक कर लेगा मोटर तक में, इतना में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। ये मोटर भी सही है, ये वायर भी सही है, कॉन्ट्रैक्टर सही है, कॉन्ट्रैक्टर तक कम्युनिकेटेड जा कम्युनिकेशन वायरिंग जा रहा है वो भी सही है, तो इसका मतलब आपका कंट्रोलर खराब है। लेकिन जनरली कंट्रोलर खराब नहीं होता, लेकिन आप इतने सारे चीज फॉलो करोगे तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं बंद कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग तो ऑलरेडी पक जाइएगा। तो अभी दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये तो आप जरूर कमेंट करके बताना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जाएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ऐसी वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेगी। कोई और कन्फ्यूजन हो तो हमको कमेंट करके बताइएगा, और भी किसी टॉपिक को कवर करना है ऐसे करके छोटे छोटे 4-5 टॉपिक, तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको उसका वीडियो बना के दूंगा आप, ताकि आपका सारा प्रॉब्लम इजिली सॉल्व हो जाए। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।